हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे थायरॉक्स टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूजेस है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या क्या प्रिकॉशंस है वो जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस है। ये हम यूज़ करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी कि जब हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड है वो थायरॉयड हार्मोन नहीं बना पाता है, यानी कि जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना थायरॉयड हार्मोन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसके क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। ये टैबलेट हम यूज़ करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि जब हमारा थायरॉयड ग्लैंड जो है वो बहुत कम थायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। इसमें होता है लीवोथायरॉक्सिन, जो कि एक सिंथेटिक थायरॉयड हार्मोन है, यानी कि ये केमिकली बना हुआ है और ये सेम वैसा ही है जैसा हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, ये सिमिलर वैसा ही है केमिकली, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये हेल्प करता है हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स को कम करने में, जैसे कि वजन ज़्यादा होना, टायर्डनेस सी फील होना या ठंड को टॉलरेट ना करना, इन सब को ये कम करने में हेल्प करता है। लीवोथायरॉक्सिन जो है इसे हम बॉडी का जो नेचुरल थायराइड हार्मोन है उससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी कंडीशन की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव करना पड़ता है, तो बॉडी खुद बना नहीं पाएगी थायरॉक्सिन, उसकी जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए सिंथेटिक हार्मोन, ताकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो सही रहे। और एक ज़रूरी बात यह है कि इस मेडिसिन को वेट लॉस और ओबेसिटी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, मसल स्पाज्म हो सकता है, यानी कि मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं, उनमें पेन हो जाती है, सर में दर्द हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, इरिटेट सा फील होना, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, शेकिंग मूवमेंट हो जाती है हाथों की या पैरों की, वीकनेस हो जाती है मसल्स की, और जो है भूख ज़्यादा लग जाती है और वेट लॉस हो जाता है, और डायरिया भी हो सकता है इससे। इसके क्या क्या प्रिकॉशंस है। अगर आप ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप अल्कोहल अवॉइड करें, इससे आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में लीवोथायरॉक्सिन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो थायरॉयड फंक्शन है वो मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली, और इस केस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको डोजेज उसके हिसाब से आप ले सकते हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये मेडिसिन आप वैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रिएट नहीं होता उतना मिल्क के साथ, ये आप ले सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने कहा हो आपको वैसे ही आप ले सकते हो, वही डोज आपको यूज़ करना है। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग पे भी यूजुअली इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आप ये मेडिसिन ले सकते हैं ड्राइविंग से पहले। और अगर आपको किडनी या लीवर प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना ये मेडिसिन यूज़ ना करें। अगर आपको यूज़ करनी है तो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उसी डोजेज के हिसाब से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।